हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी झबला और नेपी बनाना बताऊंगी, जो कि न्यू बॉर्न बेबी का कपड़ा होता है वो आज बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 23 इंच और इसकी लंबाई अभी हमें कट करना है। तो पहले कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है, अब यहाँ से हमें लंबाई की नाप लेनी है। तो लंबाई हमने ली है 13 इंच, जो कि मुझे 12 इंच तैयार करना है, तो इसलिए मैंने 1 इंच सिलाई के लिए लिया है। तो अब यहाँ से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से पहले हम कपड़े को अलग कर देंगे और इस वाले कपड़े को साइड में रखेंगे, और ये वाला जो कपड़ा है इसी कपड़े से हमें झबला बनाना है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमने कट कर ली है। अब ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है, तो इसे हमें इस तरह से 4 फोल्ड में करना है, और जो ये खुली हुई साइड है वो हमें आगे रखनी है, क्योंकि हमें आगे से ये खुला हुआ बनाना है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। अब यहाँ से हमें गले और कंधे के लिए निशान लगाना होगा। तो गले का निशान मैंने 1.5 इंच पर लगाया है और कंधे का निशान इस तरह से मैंने 4 इंच पर लगा दिया है, क्योंकि बेबी की छोटे होती हैं तो उनकी गर्दन वगैरह जो पतली होती है, इसलिए हमें गले की दूरी बहुत कम रखनी होती है। तो इसलिए मैंने 1.5 इंच रखा है। अगर नॉर्मल बच्चों के लिए बनाना हो तो आप 2 इंच गले की दूरी रख सकती हैं। अब यहाँ से और मोल के लिए मैंने 4 इंच की लंबाई नाप करके इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है और इसे इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारे और मोल का निशान। यहाँ से हमें गले का निशान लगाना होगा। 2 इंच पर मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया है और पीछे वाले गले के लिए मैंने 1 इंच पे बॉक्स बनाया है। तो ये गला हमें आगे की साइड में कटिंग करना होगा, ये पीछे की साइड है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से और मोल की कटिंग कर दी है। गले की कटिंग करना है तो हमें दूसरी साइड पलटना होगा। यहाँ से थोड़ा सा हम कंधे को फिनिशिंग देंगे और फिर यहाँ से हम आगे वाले गले के लिए फिर से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है और इस तरह से बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हमें गोलाई दे देनी है और यहाँ से हमें गले की कटिंग करनी होगी। तो आप देख सकती हैं, 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा है, चौड़ाई है 1.5 इंच। अब यहाँ से हमें गले को कट कर लेना होगा। गले की कटिंग आगे की मैंने कर ली है, पीछे वाले गले की भी 1 इंच की गहराई मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। अब साइड से हमें यहाँ से कट कर देना होगा, जिससे सिलाई करने में इजी रहेगा। तो यहाँ से साइड से मैंने कट कर दिया है। ये झबले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये 4 इंच मैंने आरमोल की गहराई दी है, तो इसमें हमें चुनट लगाना होगा, तो उसी के हिसाब से हम कपड़े की लंबाई कट करेंगे। तो ये वाला कपड़ा मैंने लिया है जो हमारे झबले की साइड से कट के निकला हुआ है। तो यहाँ से पहले लंबाई नाप लेंगे, तो इसकी लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ से मैंने लंबाई कम कर ली है। लंबाई हमने 10 इंच रखी है यहाँ से। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमें कट कर देना है और कपड़े को अच्छी से सेट कर लेना है। अब यहाँ से आप देख सकती हैं कि मैंने इसकी लंबाई 10 इंच रखी है, और यहाँ से आप चौड़ाई की नाप लेंगे, तो ये चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, जबकि ये स्लीव की लंबाई बोली जाएगी। और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ 2 इंच से थोड़ा सा कम मैंने छोड़ के यहाँ से तिरछी कटिंग कर दी है इस तरह से, और यहाँ से हमें दोनों कपड़े को अलग अलग कर लेना है। तो ये हो गई हमारी स्लीव। यहाँ से आप देख सकती हैं, 2 इंच से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम मैंने रखा है। अब एक साइड से इसे फोल्ड कर लेना है, दूसरी साइड से हमें चुनट बना लेना है। तो इसकी ये लंबाई मैंने 3 इंच रखी है और ये लंबाई है मैंने 10 इंच रखी है। अब इसको साइड में रखेंगे, फिर हम ये आगे की पट्टी के लिए कपड़ा हमें कट करना है। तो कपड़े की लंबाई मैंने 22 इंच कट कर ली है और चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। अब ये दोनों पट्टियाँ इसमें से हमें अलग अलग कर लेनी है। तो दोनों साइड के लिए हमने एक एक पट्टी कट कर ली है, तो इसे हमें इसमें ज्वाइंट करना होगा। अब ये जो कपड़ा है इसे भी हमें सीधा कर लेना होगा यहाँ से कट करके। तो इस तरह से कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है। चौड़ाई है इसकी 4 इंच, इसको बीच से 2-2 इंच की चौड़ाई में हमें 2 जगह कट कर लेना है। तो ये मैंने 1/2 इंच में कट कर दिया है। अब इन दोनों पट्टियों को इस तरह से लंबाई में सिल के और एक साइड फोल्ड करना है, दूसरे साइड चुनट बनाना है। तो इसे इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। उसी तरह से इस स्लीव को भी हम बना कर तैयार कर लेंगे।
तो ये तो मैंने रेडी कर लिया है, ये दोनों स्लीव है, ये गले के लिए मैंने चुनट बनाया है। तो पहले हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम अपने झबले को लेंगे, ये आगे का पार्ट है, इसे हम पहले इस तरह से रखेंगे। और ये जो दोनों पट्टियाँ मैंने कट की हैं, दोनों साइड पट्टियों को इस तरह से एक एक सिलाई से ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड की पट्टियों पर। तो ये पट्टियाँ मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें पीछे वाले पार्ट को लेना होगा, तो पीछे वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद दोनों का कंधा हम अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे कंधे पर। फिर वापस से हम इसे इस तरह से खोलेंगे, और ये जो मैंने चुनट बनाया था स्लीव वाला, तो इसे हमें यहाँ से रख करके एक सिलाई से ज्वाइंट कर लेना है दोनों को। फिर वापस से इसे सीधा करके ऊपर से एक और सिलाई लगा लेनी है। तो इसको तो मैंने रेडी कर लिया है, अब हमें गले के लिए भी चुनट लगाना होगा। तो ये जो चुनट मैंने बनाया है, इसे हमें पूरे गले की गोलाई में एक सिलाई से पहले ज्वाइंट करना होगा। एक सिलाई से हम इस पर इस तरह से सिलाई करके ज्वाइंट कर लेंगे। फिर ये जो पाइपिंग मैंने कट की है, इसे हमें इस पर लगा करके सेट कर लेना होगा। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और साइड से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और नीचे एक सिलाई से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने झबले को पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है। और ये मैंने बटन ली है, इसमें चार पीस बटन की लगेगी। तो इस तरह से हमें दो दो इंच की दूरी पर बटन लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा ये न्यू बॉर्न बेबी का झबला बन के तैयार है। अब इसे हमें बैक साइड से भी दिखाना है, तो बैक साइड भी मैंने इस तरह से चुनट लगाया है गले में। तो ये हमारा झबला पूरी तरह से बन के रेडी है। अब चलिए इसकी नेपी बनाने की तरफ चलते हैं। तो नेपी बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको लंगोट भी बोला जाता है। तो इसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें सेम रखनी होगी। तो यहाँ से भी हमें 15 इंच नाप करके यहाँ से कपड़े को कट करना होगा। तो पहले यहाँ का कोना हम पकड़ के यहाँ तक लेके आएंगे, और हमें कपड़े को एकदम से बराबर फोल्ड करना होगा, यानी कि ये हमारा कपड़ा बिल्कुल चौकोर शेप में होगा। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको सिलाई करना है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम कट कर देंगे। ये कपड़ा कट कर दिया है मैंने। अब ये वाला जो कपड़ा है, इसमें से हमें 2 इंच की चौड़ाई की एक लंबी सी पट्टी कट करनी है। तो ये वाली पट्टी हम 2 इंच की चौड़ाई में पूरी लंबाई में कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई देख सकती हैं कि मैंने 2 इंच लंबाई चौड़ाई इसकी रखी है, और लंबाई इसकी है 16 इंच। इसमें से 8-8 इंच का 2 बंधन हमें कट करके तैयार कर लेना होगा। और छोटी सी एक और पट्टी हमें बनानी है। तो ये वाला कपड़ा जो मैंने कट किया है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से हमें फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, और सेम उसी तरह से इसे भी बना लेना है। तो दोनों को पहले बना के रेडी कर लेना है। अब देखिए, मैंने उसको बना करके रेडी कर लिया है। अब ये नेपी वाला कपड़ा मैंने लिया है, इसमें हमें इस बंधन को मैंने 2 भाग में कट कर दिया है। तो दोनों बंधन को ये हमें दूसरी जगह लगाना है, आगे की साइड, तो बाद में लगाऊंगी। पहले इस बंधन को इस कोने पर रखना है, और इस वाले बंधन को इस कोने पर रखना है। तो यहाँ इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल आमने सामने हमें रखना होगा। ये वाला कोना उठा के यहाँ तक हमें लेके जाना है, और फिर इसे अच्छे से सेट करके यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, और बंधन के पास हमें मज़बूत सिलाई लगानी होगी। तो देखिए, इस तरह से बंधन को रखेंगे, मज़बूत सिलाई लगाएंगे दोनों साइड, और इस तरह से सिलाई लगा करके इसे बंद कर देंगे। एक जगह से थोड़ा सा हम खुला हुआ पार्ट छोड़ेंगे। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट छोड़ा है, और दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये वाली जो छोटी सी पट्टी मैंने तैयार की थी, इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद इसे हमें यहाँ पर रख करके, यहाँ पर बिल्कुल कोने पर रख करके, इस तरह से यहाँ पर हमें एक मज़बूत सिलाई लगा देनी है कि ये निकल ना पाए। तो देखिए, मैंने उसकी भी सिलाई लगा दी है, और ये दोनों बंधन की भी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हमें सीधी साइड पलट देना होगा। तो थोड़ा सा जो मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा है, यहाँ से हम इस अंदर वाले बंधन को निकालेंगे। तो देखिए, इस साइड का मैंने बंधन यहाँ से पकड़ लिया है, और इसे हमें इस तरह से हल्के हाथों से खींचते हुए बाहर निकाल देना है। फिर सेम उसी तरह से दूसरी साइड का बंधन भी हमें इस तरह से पकड़ के खींच लेना है, और इसे बाहर की साइड इस तरह से निकाल लेना है। और फिर हमें पूरे कपड़े को सीधा कर लेना है।
तो इस तरह से देखिए हमारी नेपी बनके तैयार है। इसे यहाँ से भी हमें खींच के सही कर लेना है। अब हर जगह से हमें इसको बिल्कुल टाइट खींच के सही कर लेना है। ये जो खुला हुआ पार्ट मैंने छोड़ा है यहाँ का, इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम यहाँ से पूरा लगा देंगे यहाँ तक, और फिर ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे 3 चुनट लगाएंगे। ये अक्सर लोग चुनट नहीं लगाते हैं, और चुनट ना लगाने से ये नेपी बार बार सरकती रहती है, और ये चुनट लगा देने से ये होता है कि बेबी की कमर पे ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है। तो ये चुनट लगाना आप ना भूलें। इसको 2-3 सिलाई से मज़बूत कर लेंगे। इस तरह से हमारी नेपी भी बन के तैयार है। बेबी झबला, बेबी नेपी दोनों मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।